हेलो एवरीवन, आज हम कढ़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी दही ली है, उसे अच्छे से फेंट लेना है, उसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये अब मैं इसमें 2.5 चम्मच बेसन डालूंगी। बेसन डाल के इसे मिक्स कर लेना है, कोई गांठें या गुठली नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इसमें नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी डाल के फिर मिक्स कर लेना है। और इसमें धीरे धीरे करके पानी डालना है। पहले मैं 1 कटोरी पानी डालूंगी और फिर बाकी पानी मैं बाद में डालूंगी। धीरे धीरे करके इसे एक पतला सा घोल बना लेना है। अब कढ़ाई लूंगी। कढ़ाई में 1/2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया के बीज और 1/2 चम्मच मैंने मेथी ली है और आधे से 1/2 चम्मच हींग ली है और 1 प्याज मैंने चॉप करके ये डाल दिया है और 1 टमाटर। अब इसे अच्छे से पकाना है जब तक टमाटर गल ना जाए। टमाटर गल गए हैं, अब मैं इसमें जो मैंने बनाई थी ये डालना है, बेसन और दही का घोल इसमें डाल देना है और इसे पकाना है। पहले इसे उबाल आने तक हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये दही अलग और वो पानी अलग हो जाएगा। उबाल आ चुका है, अब इसे हम पकने के लिए 15 से 20 मिनट और पकाएंगे। तब तक मैं पकोड़े बना लेती हूँ। पकोड़े के लिए मैंने बेसन लिया है, हरी मिर्च डाली है, धनिया और प्याज डाल दिया है, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च 1/2 चम्मच ये डालकर और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे गाढ़ा सा वो बनाना है पैटर्न, ज़्यादा पतला नहीं करना। और इसमें बाद में मैं बेकिंग पाउडर भी डालूँगी, ये बेकिंग पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब पकोड़े बनाने हैं। एक बारी कढ़ी और देख लेती हूँ। कढ़ी अच्छे से उबल चुकी है, ये बन चुकी है कढ़ी, ये ऊपर तेल आ गया तो इसका मतलब कढ़ी बन चुकी है। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब पकोड़े तलने के लिए मैं तेल डालती हूँ कढ़ाई में। तेल गरम हो चुका है, अब पकोड़े डाल रही हूँ। पकोड़ों को गोल्डन सुनहरी होने तक पकाना है और ये मैं लो फ्लेम पे बना रही हूँ पकोड़े। ये मेरे एक बार के पकोड़े बनके तैयार हैं, मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं दूसरी बार के पकोड़े डालूंगी। ये मेरे दूसरी बार के भी पकोड़े गोल्डन हो चुके हैं। अब मैंने अलट पलट के अच्छे से पका लूंगी। ये निकालने के लिए तैयार है। अब मैं कढ़ी में 1/2 पकोड़े डालूंगी, पूरे नहीं डालूंगी, नहीं तो पकोड़े अब्जॉर्ब कर लेते हैं सारी कढ़ी को। ये मेरी कढ़ी बनकर तैयार है। आई होप ये आपको पसंद आई होगी।